गोरखपुर जिले में गुरुवार को 212 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 118 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 35, गोरखनाथ में 22, कोतवाली में 21, तिवारीपुर में 2, रामगढ़ ताल में 4, राजघाट में 3 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 31, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 80 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 16, खोराबार में 27, उरवा में 3, पिपरौली में 5, गोला में 3, सरदारनगर में 4, भटहट में 1, खजनी में 1, बांसगांव में 3, पिपराइच में 5, शहजनवा में 3, गगहा में 6, कैंपियरगंज में 3, जंगल कौड़िया में 2, कौड़ीराम में 1, बेलघाट में 2, ब्रह्मपुर में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 22,835 हो गई है। इनमें 369 की मौत हो चुकी है, 21,352 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 1,114 हो गए हैं। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।